एक बार की बात है, एक जंगल में एक शेर और बाघ रहते थे। वह दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। शेर का एक बेटा था जिसका नाम शेरू था। शेर उसे बहुत लाड़ प्यार करता। शेर अपने बेटे शेरू को अकेले बाहर नहीं जाने देता था, क्योंकि एक बार उसकी माँ शेरनी भी ऐसे ही अकेली जंगल में निकली थी और किसी ने उसे जंगल में ही मार गिराया था। इस वजह से शेर बहुत डरता था कि कहीं उसके बेटे शेरू के साथ भी ऐसा ही कुछ ना हो जाए। बाघ, शेर और शेरू तीनों एक ही साथ रहते, एक ही साथ भोजन करते और वह तीनों बहुत ही खुश थे। लेकिन बाघ के मन में कुछ कपट चल रही थी। वह जंगल का राजा बनना चाहता था और शेर को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। एक दिन शेर बाघ से बोला, बाघ दोस्त, चलो हम दोनों जंगल से खाना लेकर आते हैं, और शेरू बेटा तुम घर के अंदर ही रहना, बिल्कुल भी बाहर मत निकलना। ठीक है पिताजी। और फिर शेर और बाघ दोनों जंगल में शिकार पर निकल जाते हैं। जंगल में बहुत देर घूमने के बाद भी उन्हें कोई शिकार हाथ नहीं लगता है तो वह थक जाते हैं। तो शेर बाघ से बोलता है, सुनो बाघ दोस्त, तुम ऐसा करो, तुम घर पर जाओ, शेरू अकेला है, मैं देखता हूँ अगर कोई शिकार मुझे मिलता है तो। अब बाघ शेरू के पास जाने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसका खुराफाती दिमाग चलता है, इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलेगा शेर को कमजोर करने का और जंगल का राजा बनने का, क्यों ना मैं शेरू को मार डालूं, जैसे मैंने उसकी माँ को मारा था। शेरू के मरने पर शेर उसके गम में कमजोर पड़ जाएगा और इसी बात का फायदा उठाकर मैं उसे मार डालूंगा। हा 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 हा। और ये सोचते सोचते बाघ शेरू के पास पहुंच जाता है। अरे चचा, आप अकेले आए हैं, बाबा आपके साथ नहीं आए क्या? शेरू बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलाने के लिए आया हूँ। क्या कहा, मेरी माँ से मुझे मिलाओगे? पर मेरी माँ तो मर चुकी है। हाँ, अब तुम भी मरने वाले हो और मरने के बाद तुम भी अपनी माँ के पास पहुँच जाओगे। हा 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 हा। और इतना बोलकर बाघ शेरू पर हमला करके उसको मारने लगता है। वहीं एक बकरी बाघ को शेरू को मारते हुए देख लेती है और वह भागते भागते शेर महाराज को ढूंढती है और शेर महाराज के पास जाकर वह जो कुछ भी उसने देखा सब बता देती है। शेर ये सब सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और तुरंत ही वहाँ से अपने घर के लिए दौड़ लगा देता है। लेकिन जब तक वह वहाँ पहुँचता, शेरू को वह बाघ मार चुका होता है। दुष्ट बाघ, तुमने अपने ही दोस्त की पीठ में खंजर भोंका है, सिर्फ जंगल का राजा बनने के लिए तुमने मेरी पत्नी और बेटे को मार डाला। अगर तुमने मुझसे कहा होता तो मैं खुद ही तुम्हें राजा बना देता। हा 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 हा। अच्छा हुआ तुम्हें सब पता चल गया। अब तुम्हें मरने के बाद अफसोस नहीं होगा कि तुम्हारी पत्नी और बच्चे को किसने मारा। अब तुम भी मेरे हाथों मारे जाओगे। और फिर वह बाघ और शेर आमने सामने आ जाते हैं और उनमें भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। बहुत देर की भयंकर लड़ाई के बाद शेर उस बाघ को मार डालता है। अब शेर अपने बच्चे और पत्नी के गम में डूबा रहता है और ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। जब शेर का गम समय के साथ कुछ हल्का हुआ तो उसे बकरी की याद आई और वह बकरी का धन्यवाद करने के लिए निकल पड़ा। जब वह बकरी के पास पहुंचा तो देखता है कि बकरी मर चुकी है और उसके दोनों बच्चे वहां खड़े रो रहे हैं। शेर को देखकर वह दोनों बच्चे बहुत डर जाते हैं। तो शेर उनसे बोलता है, डरो नहीं बच्चों, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बताओ मुझे, तुम्हारी माँ को क्या हुआ है? अभी कुछ दिन पहले तक तो यह बिल्कुल ठीक थी। हाँ शेर महाराज, हमारी माँ जाने कैसे अभी कुछ देर पहले ही जल बसी। हम अब किसके सहारे जिएंगे, हमारा कोई अपना नहीं है। तो शेर बोलता है, रो मत मेरे बच्चों, बकरी ने मुझ पर एक उपकार किया था और अब मेरा भी फर्ज बनता है उसका बदला चुकाने का। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, आज से तुम मेरे बच्चे हो और तुम्हें जंगल में कोई परेशानी नहीं होगी। और फिर वह तीनों उस जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, कभी कभी हमारे दुश्मन
दोस्तों के रूप में हमारे आसपास ही होते हैं और हम उन पर आंख बंद करके विश्वास भी कर लेते हैं, इसलिए किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए।